देखो ये होता है अपनापन, ये होता है जो लोग इतना मानते हैं। सीबी पे एडमिट कर लिया तो हो सकता है 1-2 घंटे में खुशखबरी मिल जाए कुछ। मैं दादा बन रहा हूँ, मैं जल्दी बनने वाले। तो तू जा रही है? हाँ जा रही हूँ, मैं रनिंग कर रहा था, गाड़ी मेरे को उड़ा गई। मतलब डॉक्टर ने तो कहा था एडमिट कर दो। अभी तो ये भी ना बता, हमें डॉक्टर के पास आवा तो है, डॉक्टर को दिखाना है इस बीमारी को, समझाऊं कैसे से? देख रहा घर वाले कैसे बीमारी के कितना मजाक उड़ा रहे। जय माता दी, सभी को जय माता दी, राधे राधे। और लीजिए करिए दर्शन और आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से, क्योंकि आपकी सुबह अच्छी तो पूरा दिन अच्छा और आपको और बहुत सारी ढेर सारी खुशियां मिले। और देखिए नीम करौली बाबा भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं हंसते हुए, और केला मैया भी आपको आशीर्वाद दे रही है, सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके कोई भी काम नहीं रुकेगा, आपके काम ऐसे 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 सब ऊंचाइयां पे चढ़ेंगे। लीजिए इसी के साथ आरती, आपकी दिन दुनी रात चौगी तरक्की हो, आपकी तरह भगवान जी आपकी लाइफ में कभी कोई दुख कोई कष्ट कभी ना आए, आप ऐसे 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 ऊंचाई छूते चले जाए। इसी के साथ मैं आरती देती हूँ। आपने जो भी कामना करी है, जो भी कामना करी है आपकी सब पूरी हो भगवान जी। मैं अपने माता रानी की तरफ से, अपने भगवान जी की तरफ से मैं यही हमेशा दुआएं करती हूँ, और भगवान जी की तरफ से आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता है। और आप ये भी कमेंट्स करके बताना कि आपको मैं जैसा आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा ये तो कमेंट्स आते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगता है, आशीर्वाद से आपकी शुरुआत होती है, तो आपके मैं तो यही कामना करती हूँ कि आपके सब काम बन जाए, जो भी आपने सोचा है ना, दिन दूनी रात चौगी तरक्की आप करते चले जाए करते चले जाए। मुझे इतनी खुशी होगी जब हमें मुझे कमेंट्स आएंगे कि हमारा ये काम हो गया ये काम हो गया, तो मुझे बहुत बहुत उससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, ये आरती के साथ आपकी शुरुआत होती है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। मेरी मॉर्निंग हो रही है किचन में, मेरी हो चुकी है जय माता दी, तो मेरी मंदिर में होती है सबसे पहले होती है मेरी जय माता दी, और वो होती है सबसे पहले मंदिर में, मंदिर के बाद आती हूँ किचन में कुछ छोटी मोटी चीजें करने के लिए। तो देखो आज हमारी किचन की चल रही है सफाई अच्छे से, बहादुर यहाँ पे अचार देख रहे हैं कौन सा अचार ठीक है नहीं है, सफाई चल रही है, ये देखिए ये पूरी साफ सफाई चल रही है। और मैं बनाने वाली हूँ आज आलू बड़ी की सब्जी, एकदम रस्ते वाली, एकदम बहुत ज्यादा एकदम ग्रेवी होती है ना पतली पतली सी, ये होंगी हल्की सी पहले फ्राई, दो आलू और ये ग्रेवी, ये मसालदानी, एकदम सिंपल सब्जी बनाने वाली हूँ। वो अच्छा ताम झाम में ये हो गया, नमक हो गया और जीरा इसी में, आपसे सफाई चल रही है याद ही नहीं है, ये सिर्फ 2 मिनट में हो जाते हैं, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। ये शायद उड़द की दाल की है मूंग की दाल की है ये नहीं पता, क्योंकि ये मैं पैकेट लेके आई। और पहले तो मैं यही वाला तेल डाल देती हूँ इसमें, कुकर में थोड़ा सा हो जाएगा, गैस बंद कर दूंगी, थोड़ा सा सा तेल और बाद में थोड़ा पनीर निकालो मैं अपना वो बनाऊंगी उसमें। ये गया जीरा, ये 2-3 हरी मिर्चें, ये हींग, अब ये जाएगा सिर्फ थोड़ा सा धनिया आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मिर्च लगाऊंगी, और बस नमक, ये नमक, और अब ये टमाटर के लिए लाओ थोड़ी सी हींग में ऐसे डालती हूँ कच्ची, इसमें हलवाइयों वाली खुशबू आएगी जैसे हलवाई सब्जी बनाते हैं ना, बड़ी पानी बहुत सोखती है ना, तो एकदम ये एकदम पतली वाली सब्जी बनेगी। अब इसमें आलू फ्राई होने के लिए, ये बड़ी और अब जाएगा इसमें ये पानी, पानी गर्म है तो थोड़ा सा बन जाएगी। बादल को दस कर रख क्या? ये लो बादल ढक दो और बना लो, बस सिर्फ 2 सीटी पे खोल देना है। ये देखो ये मैंने लिया कच्ची मिर्च, मिर्च जाएंगी इसमें हल्की सी क्रस करूंगी ना, इसको मसाला तो दो छोंकने से नहीं, मसाला ऐसी भाषा बोलो जो हम भी सीख लें। कांच वाला वो दे दो, थोड़ा सा तेल गर्म कर देना इसके लिए। और ये बनने वाला है मेरा सैलेड, मैं कल मतलब क्या है ये सैलेड मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल मेरा खाने का मन ही नहीं हुआ, कल मैंने रोटी ही खा ली, तो कल मेरा मन नहीं हुआ सैलेड खाने का, तो मैं आज बना रही हूँ। और ये पनीर थोड़ा सा इसमें
पनीर और वो कौन सा ऑयल है, ऑलिव ऑयल, हाँ डाल के इसको कर दो। इसमें ये प्याज टमाटर हरी मिर्च थोड़ी सी ये चली गई, ये गाजर इसे एकदम बिल्कुल महीन करके ना इसमें इसमें महीन कर लो, फिर इसे पीस लो वरना ये पिसता नहीं है। और ये लो थोड़ा सा ये देखो ये मेरा सैलेड और काली मिर्च, ये ऑर्गेनो जाएगा इसमें। सेहत का ध्यान पक्का, इतना सेहत का ध्यान रख रही हूँ मैं जिसका कोई ठीक है नहीं। कहाँ जाऊंगी, युद्ध लड़ने जाऊंगी। चलो ये काली मिर्च पिस जाएगा, बात पिस जाएगा। ये इसमें ये वाला भी फल जाएगा, प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक लो, एक बार घुमा दो। ये इसमें पनीर पीस के थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दिया, दही। भगो की चिंता थोड़ी सी हल्दी सिर्फ चुटकी भर, और चुटकी भर धनिया, और सिर्फ जाएगी नमक, ये थोड़ा सा चटपटाई तेज में कसी लगती है, थोड़ी दे दो तो थोड़ी देर चला देना, जब ये ऑयल छोड़ दे तो ये बन होगी रेडी। इसे पानी के हाथ की रोटी बनाओ, चटपटा सा ये अचार रखो रोटी पर, खाओ। ये गया इसमें खीरा, क्योंकि खीरा नहीं था, खीरा बहादुर गए थे भूल। और ये पनीर, ये सैलड इतना प्रोटीन वाला है ना, इसे खा लो, रोटी की तो जरूरत ही नहीं है, मस्त है बहादुर, जरूरत नहीं है ना रोटी की, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जब इतना सारा किलो के हिसाब से खाओगे तो। पर मैं ही नहीं खाने वाली बहादुर से, इसे तो कई जने हैं खाने वाले, सेंटी भी लेगी, रिकी भी लेगा, तो मेरे पास कितना बचेगा बताओ। सर को भी भेज देंगे, नहीं तो सर को भी भेज देंगे। लो लो बहादुर, ठीक है, ये हो गया मेरा बनकर रेडी, आज का हो गया मेरा काम डन। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सब्जी है, इसमें कोई चटक मटक मसाले नहीं, एक्स्ट्रा से मसाले नहीं, और ये खाने में इतनी टेस्टी होगी ना, बस थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में ऐसे चमचा मार दो इसमें कुकर में, ये आलू बड़ी की सब्जी पर तो होगी रेडी। धनिया हो रहा है इतना महंगा, इतना तो धनिया के थोड़े से पत्ते डाल दो इसमें, भादू दो तीन, मैंने तो फिर मन ही कर दी रहने दो, क्योंकि गल भी जा रहा है एकदम, जैसे लाओ खराब हो गया, डाल दो थोड़ा सा धनिया बस, ये भी रेडी। चलो अब मैंने कर दी आई किचन में, तो दो काम तेरे हो गए बस, चलो छुट्टी। तो देखिए मेरा लुक, मैंने पहना है ग्रे और मेहरून कलर का सूट, ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, पार्टी वेयर है, कहीं भी जाओ आप पहन सकते हो। इतना इसका बॉर्डर देखिए, इसमें पीकॉक पूरा बना हुआ है, और ऐसे ही दुपट्टे में बने हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बेस्ट देखिए इसकी ज्वेलरी, ये मैंने पहनी है देखिए, मेहरून और सिल्वर, मतलब ग्रे वाला सिल्वर है, ग्रे ग्रे, ये कान्हा जी की बांसुरी बजाते हैं उसे। ये दुपट्टा देखिए और कमेंट्स करके बताना सूट कैसा लग रहा है। अच्छा ये वाले सूट मैंने बहुत ही बहुत सारे, मतलब क्वांटिटी में रखे, सारे कलर हैं। अगली बार कौन सा पहनूँ, ब्लू पहनूँ, ब्लैक पहनूँ, या मस्टर्ड पहनूँ, ये वाले कलर मैंने बहुत सारे लिए हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें। इस तरह का बॉर्डर इसका प्यारा सा, दुपट्टा कितना बड़ा देगी, कितना बड़ा दुपट्टा, कहीं जाओ मारियो मारता होगा, नच गया ठीक हो जाता है, नच गया हो जाएगा यूं ठीक। लो मैं एक आप देखो, आपको पता है ना क्या हो नहीं, मॉल जाऊँ कहीं, मार्केट जाऊँ, लेकिन कहीं जा ही नहीं पा रही, क्या करूँ,
परसों तो गई ही जाके भी क्या करूँगी इतनी जल्दी, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं कहीं जाना चाहिए, डेरा पी लूँ या आज मैं कहीं लंच वंच पे जाऊँ, डिनर पे जाऊँ, कहाँ जाऊँ सोचती हूँ। आप कॉमेंट्स करके बताओ लंच डिनर कहाँ का बढ़िया बेस्ट है, फिर मैं और हम सारी फैमिली मिलकर एक बार ही जाएंगे। चलो यार खड़ी हो, खड़ी हो। चलो चलो इन्हें मैं बंद करके जा रहा हूँ, भाग जाओगे पट्टो ले, गाड़ी में झटका लगेगा फिर दुग्गल साहब, मम्मी दुग्गल साहब इसे मेरा मजाक परेशान करके मुझे ऐसे है चलो बैठ जल्दी, और फिर वो गाड़ी पूरी टूट गई बर्फबारी कहीं जगह न जाते हैं, वहाँ पहुँच गए हो, मैं तो कमरे में जाऊँगी निकलूँ, अरे ऐसे ही थे ना सिर और उसके बीमार कर रखे ना, ना एसी की वजह से हुआ, एसी की वजह से तो वही है, वो वेंट साफ करा दो थोड़ी कम कूलिंग करा, वो वेंट साफ करा दो, चल चल करा दूं मैं तो, उसमें सोच रही हूं कुछ कूड़ा घुसा दूं, ब्रेकरों पे धीरे, ब्रेकर पे धीरे और धीरे ज्यादा हालत खराब हो गई है इसकी, और जाना रहा ऐसे बता चुप बैठा ना, बैठा जा रहा ना, लेटा जा रहा ना, उठा जा रहा, पर फिर भी निकलने को तैयार नहीं है बंदा, ये बाल आधा काम तो बाल लंबे गाड़ रखे, सबसे पहले एक काम कर सर बाइक बाल कटवा लाऊं, निकी गाड़ी में झटका लगा बहुत जोर होगा, निकी गाड़ी में लगा झटका, आज तो ऐसे देखा जैसे दीदी देखने के लिए पहले बाल बांध के स्कूल में, देख निकी निकी हाँ बांध है नहीं क्या है यू ये ले अभी तो ये भी ना बता हमें डॉक्टर के पास आ तो गए कि किसी डॉक्टर को दिखाना है, इस बीमारी को समझाऊं कैसे से, वैसे गंदा पहले जब आपके पैर में चोट लगी थी तो भैया ऐसे पैर करके दिखाते थे, आप कंधे कहाँ तक लगाना है, कहाँ से लगाना नहीं नहीं क्या छुआ ना एक बार ही ये करो, देख रहे हो घर वाले कैसे बीमारी के कितना मजाक उड़ा रहे हैं, हम हॉस्पिटल आए हैं मम्मी को दिखाने, मम्मी की टांग टूट चुकी है, बता दो टांग कैसी है, आपको दिखाने आए हैं बता, अरे मेरे एसी को क्यों बदनाम कर रहे हो, हाँ हाँ वही रीजन है, बहुत ठंडा होगा रूम, इतना सबसे ठंडा रूम घर में इस टाइम, पाएंगे नहीं बातें गजब बेइज्जती है ये बेटा, घर वाले कैसे होते हैं घर वाले दोस्त की तरह दोस्त हो गए, बीमार आदमी को देखने जा रहे हैं तो तो बेड पर लेटे हुए, नंबर लग गया है हमारा और नंबर हमारा आ ही गया था लेकिन फिर कोई है अंदर तो अभी दो मिनट बाद दोबारा आएगा, a few moments later डॉक्टर को दिखा कर आ गए हैं, डॉक्टर ने बोला फिजियोथेरेपी वो सब पीए वाली और ये टेबलेट्स बताइए कुछ और कुछ टेस्ट बताए और एसिडिटी बताइए और बोल दिया कि फिर गद्दे चेंज करो, दीदी कल से बोल रही थी दीदी को बस दीदी को बस खाली पेट वाली कौन सी है, खाली पेट वाली ये वो क्यों दे रहा, खाली पेट वाली खाली पेट चाय पी रख, खाली पेट मान ले तू एक खा एक एसिड वाली अभी पेन किलर देखो, ये भी तो देखो वो रात की हमने दिन में एक बार ही होगी
जो होगी देखी जाएगी बाकी फिर आ जाएंगे। आप क्यों रहा पानी पकड़ना जा रहा है इसका। अच्छा ऐसे बता मैं पिला मुझे उठाएगा ना गर्दन। अब दवाई दिलवा दी है ऐसा ना पहले पेन किलर ले ली पेन किलर देख रहे हैं कि अगर ठीक होता तो ठीक है मतलब डॉक्टर ने तो कहा था एडमिट कर दो और ये MRI कराना है वो कराना बहुत सारी चीजें मैंने कहा रात रात के सोने में जैसे नस हो जाती है ना वो हो गई है अगर पेन किलर से ठीक हो जाती है तो ठीक है वरना फिर शाम को करा दूंगी सारी चीजें और एडमिट के लिए बोल रहे थे मैं एडमिट वाली तो कोई बात है नहीं ऐसी और एडमिट के लिए भी लगेगा कि बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा तो एडमिट भी करा देंगे क्योंकि एडमिट में एडमिट ही रहेगा भी नहीं हो सकता है कि एडमिट तो एडमिट में बहुत ज्यादा हो जाता है कम से कम एक दिन दो दिन बिना बात ही ले लेंगे तो ये एक नस ऐसी होगी जो सोते सोते हो जाती है। दवाई दे दी अभी मैंने यहीं पे दे दी हॉस्पिटल पे ही दे दी घर ले जाने का इंतजार नहीं करा क्योंकि घर पर जाते जाते अभी कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे ट्रैफिक भी बहुत है और उसकी वजह से दवाई यहीं पे दे दी। इंजेक्शन से होती तो वो बाद में उल्टी उल्टी नहीं होती आपको ऐसे हो रही थी ना वो एनेस्थीसिया से पूछते दे रहे हैं ऑफिस से इंजेक्शन इंजेक्शन यहां लगा रहे हैं हड्डी में पीछे कमर में तो हां मैं क्या लगवा लेती मैंने कि मुझे तो ऐसे बेहोश कर दो जो ऊपर से ऐसा कैप सर रखा ना अरे मुझे करा था ऐसे जब मेरा टॉन्सिल्स का हुआ था ना 2008 में मुझे उससे क्या था मुझे इतना याद है मेरे मुंह पर उन्होंने रखा था मैं बोला था सांस लेता रहो मैं ले रहा था और बस मुझे याद है फिर वहीं सो गया था मुझे भी कहीं सांस लेते रहो सांस लेते लेते पता ही नहीं चली सांस फिर मैं उठा था फिर मुझे याद है जब मैं सीधा उठा मैं मतलब मेरा दर्द था मैं रो रहा था और मेरे साइड में मम्मी लेटी हुई थी बेड पे मम्मी मुझे चुप करा रही थी फिर रिकी को आइसक्रीम खिलाई। हाँ आइसक्रीम एकदम आइसक्रीम खिलाते हैं टॉन्सिल का ऑपरेशन हो रहा है जो तेरा पित्ती उछलती है ना और भी लोगों को मैं बताऊँ मैंने भी मतलब फेसबुक पे देखा ये चीज वो बताते हैं कि आधा गिलास पानी में दो पेड़े लेके जैसे मथुरा टाइप के पेड़े नहीं होते जैसे पेड़े जो मिठाई वालों के पेड़े मिलते हैं वो वाले पेड़े घोल के पानी में पी लो पी के और एक वो कपड़ा ओढ़ के सो जाओ बेडशीट या कुछ भी और थोड़ी देर बाद जब उठोगे ना एकदम ठीक हो जाएगी पित्ती। मम्मी मैंने से मुझे रेस्ट करने को बोला वो करने देगा ऑस्कर ऑस्कर को मैं अपने रूम में ऑस्कर मेरे साथ में करेगा वो मेरे ऊपर सेट नहीं रहने देना देखा ना कल का निकित के गोद में बैठा सर लैपटॉप हटा दिया गोद में बैठ गया ऐसे पापा गोद में बैठा दिखा क्या शौक है पता नहीं एक दिन तो मेरी गोदी में बैठ गया था ऊपर जाकर नहीं ऐसे क्यों चढ़कर बैठा है यहाँ बैठ जा ये मेरे तो गद्दे भी ठीक है आपके गद्दे पे जब वो गोदी में बैठता ठीक से बैठ नहीं पाता गोदी में क्योंकि मेरा सॉफ्ट है उसमें तो बैठ जाता है। रिकी आ गया बाबू ये रिकी चलो रिकी कुछ बोला आ गया ना मुझे गोदी में लेके बैठे आ गया ऊपर मत कूदिए मैं कि झटका लात मारा है उछल के या तो फोन करके बुला ले आज ही बुला भी कम्बल ले रहा कुछ खा ला ऐसे Day 2 अब धीरे बहुत धीरे हल्के चलाना भैया अभी धीरे धीरे अब हम घर मतलब घर तो पहुंच जाएंगे 10 मिनट में लेकिन हम पहुंचेंगे अब आधे घंटे में बिल्कुल सिलो सिलो से गाड़ी इतना स्लो धीरे चल तो अभी अभी तो ब्रेक धीरे मारना और स्पीड ब्रेकर पर स्पीड ब्रेकर पर ले लेना आराम से चलो हाँ और एक चीज मैं बताती हूँ एक खुशखबरी है आप सबके लिए देखो ये होता है अपनापन ये होता है जो लोग इतना मानते हैं तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में थी बन्ना भाभी का फोन आया कि सीवी को एडमिट कर दिया गया है तो सीवी बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है और भाभी जी का कम से कम 4-5 दिन से रेगुलर मेरे पास फोन आ रहा है कि मतलब भाभी जी ये मतलब सीवी की ऐसी तबीयत है ऐसी तबीयत है जैसे भी थोड़ी बात हो रही है ना 19-20 भी तो तुरंत मुझे फोन पर अपडेट कर रही है तुरंत बता रही है और भाभी जी कह रही है कि भाभी जी जैसे भी रात या बेरात में जैसे भी आपकी जरूरत पड़ेगी ऐसे ही हम तुरंत फोन कर देंगे आपको
कि आप तो, मैंने भी भाभी जी से कह दिया कि भाभी जी आधी रात में तैयार हूँ आपके लिए, क्योंकि देखो ये अपनापन होता है कि मतलब मैं कोई वो तो हूँ नहीं, लेकिन भाभी जी का ये है पल पल की खबर देना मुझे, पल पल की ये देना। और अभी मैं यहाँ से जाते ही रिकी को छोड़ूंगी घर पर, मैं निकलूंगी सीधा बुलेंस से, क्योंकि सीबी को एडमिट कर दिया गया है, तो अब हम खुशखबरी की इसमें है। और देखो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो कुछ भी हो, लेकिन बस अच्छे से हो जाए जो भी बच्चा होना है। उन्होंने शिवी भाभी ने मुझे प्रॉमिस दिया था, बट मैं उस हालत में हूँ नहीं अभी, इस हालत में है। जब मेरा बर्थडे था ना, जब मुझे भाभी ने विश किया था, तब उन्होंने पूछा था गिफ्ट में क्या चाहिए, गिफ्ट में ये देते ना कि आपके बेबी को मतलब आप और भैया लेना सबसे पहले, तो उनके पास मैं लूंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरे से भी पहले ले लेना, बट मैंने कहा नहीं, पहले आपको हक है, पहले आप लेना। सिवी मुझसे भी कह रही, उस दिन मैं घर गई ना, तो सिवी कह रही कि मैंने तो रिकी भैया से बात करी, तो रिकी भैया से कह रहे थे कि मैं तो आ जाऊंगा तुरंत ही रात में, ये कह रही कि मैं रात में परेशान कर दूंगी, तो मैं रात में ही आ जाऊंगा। अभी हालत अभी इसकी हालत हंसने वाली भी नहीं है। तो अभी हुआ क्या कि हो सकता है किसी भी, जैसे बोल रही थी ना अगर रात में परेशान करेगी रिकी तुझे, तो तू तो अपना परेशान तू खुद से ही परेशान है, मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो मैं पहुंच रही हूँ अभी थोड़ी देर में बस सीवी के पास। आप जो भी है उसे ले आना घर पे, चुरा जो भी आएगा मैं उसे एकदम ले आऊंगी। ये मतलब ये अपनापन होता है, ये मतलब भाभी जी और सीवी मतलब ये परिवार मेरे को इतना अपना मानता है, इतना अपना मानता है कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज शेयर करनी, हर चीज बतानी, हर चीज ये करनी, हमारी खुशी में खुशी होना, अपनी और उनकी खुशी में हम खुश होते हैं। तो देखो अब मैं तुरंत जा रही हूँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ इस टाइम, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं जाके और थोड़ा सा इंतजार करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करेंगे हर बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। और मैं जा रही हूँ, सीबी हो गई एडमिट, भाभी जी का आ गया फोन। अच्छा, सीबी को एडमिट कर दिया, तो हो सकता है एक दो घंटे में खुशखबरी मिल जाए कुछ। अच्छा भाभी का फोन था, तभी आ गया 3 बजे करीब। मुझे लग रहा मैं दादा बन रहा हूँ, मैं जल्दी बनने वाला था। तो तू जा रही है? हाँ मैं जा रही हूँ, चाय पी लूँ। चाय मैंने मंगवाई अपने लिए, मैं मेरा तो मीठी मंगवाई है। तुमने सही मीठी मंगा ली, मैंने ये मंगा ली, चाय पी कर हम निकलते हैं। बाबू से भी जल्दी खुशखबरी सुनाने वाली है। बाबू वो 3 बजे से एडमिट है, छोटी सी गुड़िया आएगी या गुड्डा आएगा, जो भी आएगा अच्छे से, मतलब बस ये है कि ठीक ठाक हो जाए जो भी है ना, बाबू का बहन भैया जो भी है, बाबू का बहन आएगी या बाबू का भैया है ना बाबू। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, बम्बू की दुनिया को ऐसे ऐसा सीढ़ियों से ऐसा चढ़ा के ले जाऊं ऊंचाइयों तक।